दोस्तों खबर बहुत बड़ी आ रही है। इस खबर को आप जब सुनेंगे तो आप भी उतना ही हैरान होंगे कि जितना बीजेपी के नेता रघुपति भट्ट हैरान हो रहे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि मामला जो है वो कर्नाटका चुनाव से जुड़ा हुआ है। और खबर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं, और इस खबर को गौर से सुनिएगा कि हुआ क्या है कर्नाटका में और कैसे बीजेपी के एक नेता ने जो रात भर अंडा पकाया, पता चला सुबह वो अंडा कच्चा रह गया। और क्या खबर है वो जरा आप सुन लीजिए। कर्नाटका चुनाव में बीजेपी ने उडुपी से विधायक रघुपति भट्ट का टिकट काट दिया है। विधायक रघुपति भट्ट कौन थे ये जरा आप सुन लीजिए, जिन्होंने हिजाब का मामला बढ़ चढ़कर उठाया था, जिन्होंने हिजाब पहनकर जाने वाली लड़की जो कॉलेज जा रही थी उस मामले को उठाया था रघुपति भट्ट ने, जो कि बीजेपी के विधायक थे। अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी के विधायक रघुपति भट्ट का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनको टिकट नहीं मिला बीजेपी के तरफ से। और इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने के बाद आपने देखा था कि कर्नाटका में किस तरीके से एक जबरदस्त हंगामा खड़ा हुआ था हिजाब को लेकर, के महिलाएं जो है वो हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं जाएगी। और उस हंगामा को खड़ा करने वाले यही बीजेपी के विधायक थे जिनका नाम था रघुपति भट्ट। अब उनका ही टिकट काट दिया है बीजेपी ने और वो फूट फूट कर रो रहे हैं। उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसको लेकर वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, कर्नाटका चुनाव में बीजेपी ने उडुपी सीट से विधायक रघुपति भट्ट का टिकट काट दिया। रघुपति भट्ट ने ही हिजाब पहनकर कॉलेज जाने वाली मुस्लिम महिलाओं का मामला उठाया था। ये मामला बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। अब टिकट कट जाने पर रघुपति भट्ट का फूट फूट कर रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जरा आप देख लीजिए। जिस बीजेपी ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कर्नाटका में कि हिजाब को लेकर कई महीनों तक ये मामला जो है वो आपको देखने को मिला कि कैसे कर्नाटका में एक हिजाब को लेकर कितना बड़ा विवाद खड़ा किया गया, और करने वाले कौन थे ये बीजेपी के नेता जिनका नाम रघुपति भट्ट था। अब बीजेपी ने उनका ही टिकट काट दिया है। जो कुछ हंगामा खड़ा किया गया कि सोचा था कि कर्नाटका चुनाव में जो है वो टिकट मिल जाएगा और जो है लैमलाइट में आ जाएंगे, चुनाव जीत गए तो और भी ऊंचा पद मिल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि रात भर अंडा पकाया बीजेपी के नेता ने रघुपति भट्ट ने, और सुबह पता ये चला कि अंडा तो कच्चा रह गया। उनको टिकट ही नहीं मिला और उनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और वो फूट फूट कर रोते हुए उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं कर्नाटका से आई इस खबर को, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।